इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में अगर किसी एजेंडे पर काम चल रहा है तो वो सिर्फ नफरत का एजेंडा है, भरे इस्लाम हो, ईसाई हो या दिगर मजाहिब के। लिहाजा इसी नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेंकने का काम इस मुल्क में जारी है। बेलगाम में एक और वाकया हमारे सामने पेश आया है। वैसे तो कई साधु संतों को इस्लाम के खिलाफ बात करते हुए, ईसाइयों के खिलाफ बात करते हुए हम सब ने देखा है, लिहाजा इन पर कार्रवाई नहीं होती इसलिए कि हुकूमत की उन्हें शय दी जाती है, उन्हें हुकूमत अपनी पनाह में रखते हैं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लिहाजा हमारे साथ आज मौजूद हैं कि एक ईसाई पादरी के ऊपर इसी तरह से फिरका परस्त तंजीमों के कुछ अफरादों ने उन पर जानलेवा हमला किया और वो जेर इलाज अस्पताल में हैं। लिहाजा आज कई सारे ईसाई भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मुतालबा है कि जिन्होंने भी ईसाई पादरी की पिटाई की है और उन्हें ज़ख्मी किया है शदीद, उन पर कार्रवाई हो। लिहाजा पुलिस की तरफ से जिस तरह से रद्द अमल होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं हिरेमठ साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल सर। सर ये मामला क्या है बताइए। सर एक ऐसा है, मैं समता सैनिक दल का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे संगठन के लोग भी इधर हैं। जिलाध्यक्ष शिंदे सर है और तहसीलदार मैडम है और हसीना मैडम भी है और सब लोग दीवान सब इधर है और विश्व मानवाधिकार परिषद के संगठन के महासचिव भी मैं हूँ, राज्य महासचिव। और क्या हुआ, ये संजय भंडारी कहके ये जो चर्च की फादरी है वो क्या हुआ, दूसरे घर को जस्ट पूछताछ करने के लिए गए, आप खैरियत पूछने के लिए गए थे और कहा आप कैसे हैं कैसे है? जब इन जो क्राइस्त विरोधी जो लोग हैं आज तक, आप जैसे आपने बताया ये क्राइस्तों के ऊपर, इस चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो उनके ऊपर ये तो चलता ही आ रहा है और ये सदियों से चलता आएगा, हमें पता नहीं कब ये बंद होगा। और फिर आज एक क्रिश्चियन नाम से, अगर ईसाई नाम से आप अगर बाहर नहीं जा सकते, किसी के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते, किसी के साथ यीशु मसीह के बारे में बात भी नहीं करते, एक ऐसा फ्रीडम, इधर फ्रीडम ही नहीं है। सो इसलिए वो जस्ट आप कैसे हैं खैरियत पूछने के लिए गए थे, लेकिन उनको मार के, इनको इतना मारा गया है कि मुँह से लहू आया था और अस्पताल में अभी उनके जान जा रही है, वैसे वो परिस्थितियों में वो गुजर रहे हैं। और अभी तक जो छः लोग इधर है वो मल्लिकार्जुन मास्पड़ी, गणपति दुधाणे, विनायक अशोक बंगोड़ी, मारुति सातपुते, केशव लक्कुंडी, बसुनागा पदवली, मंजू नंदी कोच देवान, ये सारे लोग इतना सब इनको मार चुके हैं, आज तक अभी अरेस्ट भी नहीं हुए। और हमने वाकई ही सारे ये बेलगम पास्टर्स एंड क्रिश्चियन लीडर्स एसोसिएशन के द्वारा हमने कमिश्नर को एक लेटर भी लिया है, अर्जी भी दिया है और उसके बाद भी अभी तक वो अरेस्ट नहीं हो पाए और एक तरफ तो अस्पताल में ये मर रहे हैं। सो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा, वोट तो मांगना आपका हक है और हमें जीना हमारा हक भी है, हम जीना चाहते हैं, हम ऐसे जीना चाहते हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, बीच रात में एक औरत गुजरते चल के जाए वही स्वतंत्र भारत है, उन्होंने यही कहा था। अंबेडकर जी ने कहा था जहाँ तक जब तक सारे जाति इधर समान नहीं होते वो देश नहीं होता। अभी ये कितना जात को लेके आप हमारे पीछे पड़े या धर्म को लेके पीछे पड़े या कि इस यीशु को लेके हमारे पीछे पड़े, जैसे हम आपके बारे में कुछ नहीं बोलते, हम आपको कौन सा भी तकलीफ नहीं देते, हमारे पीछे आप क्यों पड़े? अगर आपका धर्म है आपके घर में है, हमारा धर्म है हम भी है, जैसे आपका धर्म का आचार करते हैं हमारे धर्म का आचार भी हम ही करते हैं, हमें इतना भी स्वतंत्र नहीं किया कि हम भारत देश, संविधान तो ये कहता है कि इधर सब लोगों को वही हक है, हम बोल सकते हैं जी सकते हैं। इसलिए हम आज संजय भंडारी के नाम के एक चर्च फादरी, वो जाके बाजू वाले कुछ लोगों को घर घर को जाके वो खैरियत पूछने गए थे, लेकिन आज उनको इतना मारा गया, उनको कुंकुम लगाया गया, उनके ऊपर गुलाल फेंका गया, थूका गया, उनको रास्ते में उनको एक गधे की तरह ले जाके मार मार के, यही है इंसाफ, यही है। सो मैं ये कहता हूँ इलेक्शन का टाइम भी है, आप वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन हम वोट मांगने उतना बड़ा तो नहीं हुए, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमें जीने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमान लोगों को, दलित लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, आप कुछ मत करो लेकिन जीने दो उनको, यही हमारी ख्वाहिश है। और जो छः लोग सात लोग हैं उनको फौरन गिरफ्तार कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए और जो कोई भी इनको नाइंसाफ़ी हुए उनको इंसाफ दिया जाए, यही हमारी ये। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हिरेमठ साहब, उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो।
भले आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लिहाजा आप अपने मज़हब पर अपने घरों के अंदर करें, लेकिन जो आवाम बाकी दिगर आवाम है उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ सलूक करें। ये मुल्क में जिस दिशा में जा रहा है ये मुल्क, वाकई ये सोचने की बात है कि क्या इसी नफ़रत के एजेंडे पर ये मुल्क चलता रहेगा, क्या इस नफ़रत के एजेंडे पर चल कर हम विश्वगुरु बन सकते हैं, एक सवाल है। लिहाजा जैसे हीराम साहब ने कहा कि फौरी तौर पर उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि ये नफ़रत का जहर इस मुल्क की अमन अमां को लेकर डूब सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।